विश्व योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खिलाड़ियों ने किया योग। कांच की 28 बोतल के ऊपर 10 फीट ऊंचाई खड़े होकर किया गया अद्भुत योग। आज विश्व योग दिवस है, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर योग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही सभी से निवेदन किया है कि वे अपने घरों में रहकर योग करें। ऐसे में योग एक अद्भुत नज़ारा उज्जैन की 135 वर्ष पुरानी संस्था में देखने को मिला। यहाँ रोजाना प्रैक्टिस पर आ रहे खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रकार से योग करके संदेश दिया। 28 कांच की बोतलों पर लकड़ी के पटिया रखकर 10 फीट की ऊंचाई पर फायर योग, दीप योग और बाटल योग किया। यहाँ खिलाड़ियों ने संदेश दिया कि कोरोना को भगाना है तो योग करना होगा। वैसे तो इस संस्था के आम दिनों में 300 से अधिक खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करने आते हैं, परंतु कोरोना काल के कारण यहाँ केवल 5 खिलाड़ी ही आ रहे हैं और योग कर रहे हैं। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। बताएं क्या किया आज आपने? आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोतल के ऊपर दीप योगा करा, जो कि जमीन पर भी बहुत मुश्किल रहते वो आसन, फिर भी हमने उसको बोतल के ऊपर पटिए थे और उसके ऊपर हमने सिर पे ग्लास रख के उसके अंदर मोमबत्ती जली थी और उसके सिर पे रख के हमने योगा करा, जो कि बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्या नाम है? बताएं आज आपने योग दिवस पर योग किया है, किस प्रकार का योग? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री अपराजी व्यायामशाला, जो कि शहर की 103 वर्ष पुरानी संस्था है, यहाँ पर 28 कांच की बाटलों पर कुल 10 फीट की ऊंचाई पर एक विशेष रूप से योग किया गया, जिसमें फायर योग, बाटल योग व जो आसन और योग जमीन पर करना कठिन होते हैं उन आसनों को इस स्ट्रक्चर पर किया गया। वैसे तो यह संस्था शहर की 103 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब कोरोना के पहले 250 से 300 खिलाड़ी प्रतिदिन व्यायाम करते थे, परंतु कोरोना काल के कारण यहाँ अभी 5 से 6 बच्चे प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस और कोरोना का पूरे ध्यान रखते हुए अभी योग का प्रदर्शन आपके समक्ष किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।